महाराष्ट्र के भंडारा ज़िले से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के भंडारा ज़िले में एक सरकारी अस्पताल में अचानक रात में आग लग गई और आग के कारण वहां पर 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। चलिए पूरी खबर जानते हैं, क्या है मामला, सारी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। पूरी खबर की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में नागपुर के नज़दीक भंडारा ज़िले में सरकारी अस्पताल से दर्दनाक खबर सामने आई है। इस अस्पताल में शनिवार देर रात आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। जिला अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में देर रात 2 बजे के करीब अचानक से आग लग गई है और ये हादसा हो गया। इंटेंसिव केयर यूनिट में रखे 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है, जबकि 7 नवजात बच्चों को जिंदा निकाला गया है। खबरों की बात माने तो ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिसमें 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरोग्य मंत्री राजेश टोपे और जिला कलेक्टर के साथ मीटिंग कर जांच के आदेश दे दिए हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त किया है। दोस्तों फिलहाल खबर में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली खबर में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।